भाई पहुंच गए हैं लोशगानी। थोड़ा ना पत्थर है ये गीला वाला, इस पे ना मोमेंटम में ऑल टेरेन टायर है, दिक्कत तो नहीं आएगी बट थोड़ा सा मोमेंटम बनाना पड़ेगा है ना। अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा। चल धन्नो दिखा दे अपना जलवा। शाबाश शाबाश। ओ भाई साहब, अरे तेरी तो आराम से आराम से आराम से भाई साहब। वो गाड़ी स्लिप हो रही है यार, शिट 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 शिट। आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है कोई जल्दी नहीं है कोई जल्दी नहीं है। आराम से आराम से आराम से चल, आराम से आराम से चल 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 चल। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। वही पहुंच गए लोशगानी होम फॉर टेबल। इसे कहते हैं रस्टिक प्रॉपर्टी। एकदम सुंदर, ठंड बहुत है यहाँ पे भी बट देखो यार है ना गजब। और ये अपना बेड, बाहर बैठ के नज़ारे देखने का नज़ारे, पता है क्यों? बिल्कुल ऐसे नज़ारे हैं, हाँ मज़ा आ गया भाई। थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लेते हैं फिर बात करें, ठीक है? दिल थाम के रोक लो अपने आप को, जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ ना यार तुम्हें, मतलब बारिश थमने के बाद और जो मतलब इस जगह का नाम है लोशगानी, या रिपीट लोशगानी। और ये अच्छी क्यों है? इसलिए अच्छी है, ये देखो भाई साहब, मतलब मैं ना अभी वीलॉग करने का मन ही नहीं था, मतलब मैं देख ही जा रहा था। अरे क्या है, देख देखो यार, मतलब ये है होम फोर्टेबल कंफर्टेबल यहाँ 6 rooms हैं बट क्वालिटी इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। क्वांटिटी तो छोड़ो, मतलब एक बार आओ खुद ना तब पता चलेगा। ये जगह कैमरे में मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, इस जगह पे आओ यार, थोड़ा हटके है थोड़ा दूर है बट दिस इज अनएक्सप्लोर्ड। ये कंफर्टेबल वाले कमाल है यार, इतनी गजब जगह ये प्रॉपर्टी बनाई है इन्होंने। हैट्स ऑफ टू द पीपल यार, हम तो नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। गजब यार गजब।
इतने दिनों बाद चूल्हे पे खाना बनते देख रहा हूँ भाई साहब, और खाऊंगा भी। चूल्हे पे खाने की बात ही अलग होती है ना। ये आलू के कटके बन रहे हैं, चलो खा के बताते हैं कैसे बने। काबू जीरा, धनिया, धनिया काबू, हाँ तो आज एक माउनी डिश खाएंगे भाई, जो मैं नीचे दिखा रहा था ना बन रही है वो। वहाँ शोर बहुत था, बच्चे बच्चे हैं ना और फैमिलीज के भी, पहाड़ों में आके आलू के गट्टे हैं क्या था कुछ तो था आलू का कुछ बताया उसने, और चूल्हे वाली चाय। पहले तो मैंने पातली दून में पी, लाजवाब, और यहाँ तो ठंड भी, यहाँ 5 यहाँ पे 6 रात का टेम्परेचर 6-7 डिग्री से कम ही रहने होता है। ठंड अभी भी है, नाक ना बर्फ़ बनी हुई है सही वाली। बस ये एक बार बन जाए ये आलू के ये जो भी हैं और चूल्हे की चाय, फिर करते हैं बात ना। या सही मतलब गजब है ना। हाँ हाँ ये दिस इज़ अ प्रॉपर्टी विथ 360 डिग्री व्यू है ना, तो हर एंगल से आपको अच्छा शॉट आना ही आना है ना। देखो ये देखो, ये जो मेरा कमरा है, उठते ही भाई साहब सवेरे सवेरे उठते ही देखो क्या व्यू आने वाला है। पेड़ इतने मतलब इतनी संतुष्टि रहती है ना ऐसी जगह आके। बारिश हो गई, धूप हो गई, ठंडी हवा देख ली है ना, क्या नहीं देखा यार। ट्रिप कंप्लीट नहीं होती अगर सारी चीजें ना हो ना, एडवेंचर से लेके एवरीथिंग। नाउ सी दिस इज अमेजिंग ना, मुझे भी पता है गजब यार। कहर ढाया हुआ उत्तराखंड ने, कहर पता है, इतनी शांति हो ना, माइक वाइक की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने लाया तो हूं इस पूरे ट्रिप पे ना, माइक की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इतनी बहुत फाड़ आवाज नहीं होगी, बट ये भी अच्छी है यार, समझ आएगा सुनने में, ठीक है। उस आवाज क्या नजारे देखो यार, अरे यार ये देख रहे हो सेटअप है यार, मतलब क्या मस्त सेटअप हो रखा है इनका, ओपन सा एरिया, अपना यहाँ बैठ के पियो चाय शाय, अमेजिंग यार। चलो जी बुलावा आ चुका है खाने का, खाते हैं जाके। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, नहीं, अच्छा।
एग्रेड ना मांगे यू वन सर बहुत बढ़िया बना है और टेस्टी बना है ये यू खिलाऊं आपको बहुत टेस्टी है अरे क्या नाम था इसका आलू के गुटके गुटके काफी टेस्टी है फिर आ जाना थोड़े से और हाँ बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यू डन मेरे दो करंट फ्लावर मेटल चाय गजब है यार ये बहुत ही गजब चाय मजा आ गया बॉन फायर करवाई है मैंने स्पेशली और ये थोड़ा सा लाइट वाइट मेरे लिए इन्होंने किया सही वाली फील आ रही है ये देखो यार अजीब ही सुकून है सुकून कितना अच्छा है ये पहाड़ है पूरा पहाड़ ये सारा कोई नहीं मैं और पहाड़ और बॉनफायर इंजॉय करने का यार मतलब वो पीस पीस बोलने से पीस नहीं आता ऐसी चीज़ों से आता है यार यार यहाँ के होस्ट बहुत अच्छे हैं पिछली बार वो थे यहाँ पे इस बार नहीं है बट दे मेड श्योर कि भाई साहब हर एक गेस्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट है हर एक गेस्ट मतलब आप आओगे ना आपको समझ आ जाएगा आज के एटीट्यूड भरे ज़माने में यही तो बात है अभी शाम को चाय पी इतनी बढ़िया चूल्हे वाली आलू के गटके खाए है ना एकदम पहाड़ी कुमाऊनी है ना लोकल की तरह करना चाहिए चीज़ है ना सफ़र भी खूबसूरत था और मंजिल भी खूबसूरत है मैं वो गाना नहीं गा सकता सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी सफ़र तो हमेशा ही खूबसूरत होता है यहाँ तो मंजिल भी बहुत खूबसूरत है ओह
क्या वो आ रहे हैं, है ना। चलो जी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ, फिर अब ज़्यादा तो कुछ नहीं, डिनर खा करके सो ही जाना है। एंड कल फिर मतलब अब वापसी है। अब मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, सो कल मैं मतलब परसों ऑफिस डायरेक्ट ही सोच रहा हूँ ज्वाइन करने की, तो कल मैं थोड़ा पास आ जाऊँगा, मतलब वहीं जिम कॉर्बेट के आसपास स्टे कर लूँगा, एंड वहाँ से फिर चार घंटे का रास्ता है दिल्ली का, नहीं सॉरी नोएडा का, अपना वहाँ पहुँच जाएंगे जी। चलो जी चलते हैं, आराम करते हैं, सी यू देन, बाय।